Hi everyone. Myself Mrs. Chaitna, Mastermind Faculty of Mental Health Nursing and Psychology. And this video is for all those who are studying in BSc Nursing first year, and they want to prepare for their university final examinations and they want to score good marks. So in this video, I am going to tell you 30 days quick revision strategy which will help you. एंड प्रिपेयर यू फॉर योर यूनिवर्सिटी फाइनल एग्जामिनेशन सी बिकॉज स्पेशली आपका जो फर्स्ट ईयर है यू आर इन नर्सिंग बी एस सी नर्सिंग फर्स्ट ईयर तो फर्स्ट ईयर में आप जब एंटर होते हो एंड यू स्टडी फॉर होल ईयर और सेमेस्टर सो यू आर हैविंग जितने भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं ऑल ऑफ दोज सब्जेक्ट आर वेरी मच न्यू फॉर यू एंड जब भी हम एग्जाम की बात करते हैं तो एज अ स्टूडेंट वी ऑल वॉन्ट की uh, कुछ हमें एग्जाम से पहले पता चल जाए दैट व्हाट ऑल आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड हाउ वी हैव टू राइट द आंसर्स व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव टू डू वाइल टेकिंग द टेस्ट व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव टू रिवाइज एंड हाउ वी हैव टू स्टडी एंड स्पेशली जब हम लोग एक ग्रुप में सात पढ़ते हैं तो उस Uh, पढ़ाई का जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है एट योर एज एंड स्पेशली हमारा जो बी एस नर्सिंग स्टडीज की अगर मैं बात करूँ कोर्स की बात करूँ तो ग्रुप स्टडीज बहुत अच्छी और बेनिफिशियल uh, यहाँ पे प्रूव uh, होती हैं तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आई हैव डिजाइंड थर्टी डेज क्विक रिविजन स्ट्रैटेजी फॉर ऑल ऑफ यू और चाहे आप सेमेस्टर सिस्टम में हो वेदर यू आर इन एनुअल सिस्टम जो भी सिस्टम आपके कॉलेज में फॉलो हो रहा है एनी वन ऑफ यू ऑल ऑफ यू कैन यूज दिस स्ट्रैटेजी और अपने फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ कि थर्टी डेज में आप किस तरीके से फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो नाउ सबसे पहले मैं बहुत ही क्विक आपको uh, बता देती हूँ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि क्योंकि ये जो थर्टी डेज रिवीजन स्ट्रेटजी है क्विक रिवीजन स्ट्रेटजी ये हमारे प्लान अंडर ग्रेजुएट के अंडर है सो प्लान अंडर ग्रेज अंडर ग्रेजुएट फ्रॉम नर्सिंग नेक्स्ट लाइव एप्लीकेशन तो ये इट इज बेसिकली डिजाइंड वेरी नाइसली क्रिएटेड फॉर बी नर्सिंग स्टूडेंट्स तो अभी इस वीडियो में आई एम जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन फर्स्ट ईयर बी एस सी नर्सिंग फर्स्ट ईयर वेदर यू आर फॉलोइंग सेमेस्टर सिस्टम और यू आर फॉलोइंग एनुअल सिस्टम कोई भी सिस्टम आपके कॉलेज में है कभी भी आपके एग्जाम्स हैं एंड आई आई नो दैट काफी बच्चों के एग्जाम्स अभी अपकमिंग uh, है इन दी मंथ ऑफ जुलाई ऑगस्ट

आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके सारे थियरी लेक्चर्स यू विल बी गेटिंग एंड यस यू विल नॉट डिनाई कि लेक्चर्स uh, कितने जरूरी होते हैं थियरी समझना क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स नए हैं आप कुछ नहीं जानते उन सब्जेक्ट्स के बारे में तो थियरी को पढ़ना समझना कितना जरूरी है प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे इस एप्लीकेशन में इस प्लान के अंदर जिसमें कि आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे शॉर्ट्स भी मिल शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलेंगे और बहुत सारे ढेर सारे प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत सारी बुक्स आप एक्सेस कर पाओगे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्योंकि होता क्या है कई बार हम लोग को चीजें चाहिए होती है स्टडी मटेरियल चाहिए होता है और एवरीथिंग वी कैन नॉट कैरी विद अस सो इन दिस यू विल बी गेटिंग एक्सेस टू बुक्स आल्सो एंड यस क्लिनिकल प्रोसीजर्स के बिना दिस कोर्स इज नॉट कंप्लीट सो यू आर गोइंग टू गेट एक्सेस टू क्लिनिकल प्रोसीजर्स ऑल्सो And you will be getting a study material, a very comprehensive study material. Now, we have the main topic pe aate hai, that is 30 days quick revision strategy for BSC nursing first. नाउ हियर इफ आई टॉक अबाउट योर सब्जेक्ट कि आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या है फर्स्ट ईयर में वेदर जो भी आप चाहे कोई भी आप सिस्टम फॉलो कर रहे हो अब यहाँ पे डो नॉट गेट कंफ्यूज कि कौन से बच्चे इस वीडियो को देखें सेमेस्टर वाले देखें या फिर एनुअल वाले देखें एंड तो एनी वन कैन वॉच दिस वीडियो एनी वन कैन यूज दिस स्ट्रैटेजी तो देखो यहाँ पे मैंने दो तरीके से आपके सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया आपके है आपके माइनर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि आपका साइकोलॉजी सोशियोलॉजी इनका पेपर भी कंबाइन आता है नए सिस्टम में नए जो हमारा रिविजन हुआ है उसमें इनका पेपर कंबाइन आता है हो सकता है कई जगह अभी भी कॉलेजेस में पुराना सिस्टम फॉलो हो रहा हो तो वहां पे ये कुछ चीजें होंगी जो एप्लीकेबल नहीं होंगी बट जो बेसिक प्लान है कि पढ़ाई कैसे करनी है किस तरीके से हमने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सब आप यूज कर सकते हो तो जैसे अच्छा नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है हमारे पास माइनर सब्जेक्ट में बायोकेमिस्ट्री है एंड न्यूट्रिशन है मेजर सब्जेक्ट्स में मैंने आपके लिए रखा है फंडामेंटल्स यस फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट uh, सब्जेक्ट्स है सबसे बड़ा सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का एफ एंड एफ अगेन एफ ओ एन वन एफ ओ एन टू हमारे नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली है एंड देन कम्स योर अनाटमी एंड फिजियोलॉजी सो दिस इज हाउ आई हैव डिवाइडेड योर माइनर सब्जेक्ट्स एंड मेजर सब्जेक्ट्स ऑफ फर्स्ट ईयर तो ये तो हुई हमारे सब्जेक्ट्स की बात अब इन सब्जेक्ट्स में आगे क्या करना है नाउ अब इन सब्जेक्ट्स में आगे हमें क्या करना है ओके नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्या होने वाला है थर्टी डेज स्ट्रैटेजी कैसे काम करने वाली है कौन से दिन क्या होने वाला है और किस तरीके से हमारा पूरा ये थर्टी डेज का जो प्लान है किस तरीके से फ्लो करने वाला है

I have um, tried कि daily basis पे जितने भी because for thirty days daily आपके sessions होने वाले हैं excluding Sundays so what I have done I have reduced the time of these sessions ये जो sessions होंगे आपके आपको uh, most probably evening में sessions होंगे because obviously आपको अपने college को भी पूरा time देना है आपको अपनी clinical postings को भी पूरा time देना you cannot skip एनी ऑफ दढ़ाई लेके चलनी है तो दी सेशन का जो ड्यूरेशन होगा या तो वो वन एंड हाफ आवर्स से लेकर टू आवर्स मैग्जिम उससे ऊपर इनका ड्यूरेशन नहीं जाएगा ऑन डेली बेसिस यूट विद यूल स्टडी विद अर्स एंड यू विल प्रिपेयर फॉर याइनल एग्जामिनेशन ग्रुप स्टडी जैसे हम लोग ग्रुप में बैठ के पढ़ते हैं ना अपने क्लास में तो हमें बहुत जल्दी जल्दी याद हो जाता है uh, कोई uh, कोई बच्चा कुछ बताता है एंड आप कोई और पार्ट याद करते हो तो, तो दिस इज हाउ आप एक दूसरे के डाउट्स क्लैरिफाई करते हो और एक बहुत अच्छे से आप ग्रुप स्टडी में पढ़ पाते हो आपका फोकस भी बहुत अच्छा होता है तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए उसी तरीके से ये जो सेशन है ग्रुप सेशन ग्रुप सेशन आपके लिए कंडक्ट किए जाएंगे यूट्यूब पे आपके लिए सेशन कंडक्ट किए जाएंगे एंड uh, ये जो सेशंस की ड्यूरेशन होगी बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी वन एंड हाफ टू टू आवर्स मैक्सिमम इट विल लास्ट अब हम इन सेशंस में क्या करेंगे कौन से दिन क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसी के बारे में मैं आपको आगे बता रही हूँ चलिए सब्जेक्ट्स का किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट कौन से दिन शुरू हो रहा है कौन से दिन पे खत्म हो रहा है दैट आई विल बी टेलिंग यू लेटर इन दिस इन दिस इन दिस वीडियो पर उससे पहले देख लेते हैं कि डे वाइज आप रोज क्या क्या करोगे सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि आज डे वन है जस्ट सपोज कि आज डे वन है तो डे वन किसी एक सब्जेक्ट का डे वन है से आई एम स्टार्टिंग विद साइकोलॉजी डे वन सो so, क्या होगा उस दिन डे वन पे जो आपका डेढ़ से दो घंटे का सेशन होने वाला है आप क्या आप देखोगे तो डे वन में आपको सबसे पहले जब भी सब्जेक्ट शुरू होगा तो जो सब्जेक्ट शुरू होगा फर्स्ट डे पे आपको मिलेगा सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन क्योंकि जब भी हम कुछ शुरू कर रहे हैं बहुत जरूरी है एक स्ट्रक्चर तरीके से शुरू करें एक प्रॉपर एक फॉर्मेट में एक प्रॉपर वे में उसको शुरू करें जिससे कि आप भी बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओ कि एक्चुअल में चल क्या रहा है अगर हम इसको बिना ओरिएंटेशन के आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे बिना इंट्रोडक्शन के पढ़ाना शुरू कर देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज गोइंग ऑन तो डे वन पे हमेशा जब भी आपका सब्जेक्ट स्टार्ट होगा इट विल स्टार्ट विद सब्जेक्ट ओरिएंटेशन और इंट्रोडक्शन नाउ व्हाट ऑल विल हैपन इन दिस आपको एक लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी हाई यूनिट्स की जो वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं आपके एग्जाम पर्पज से देखो अः थर्टी डेज स्ट्रैटेजी में क्योंकि थर्टी डेज है क्विक रिवीजन स्ट्रैटेजी है तो यहां पे हम सारे सब्जेक्ट्स को ए टू जेड कंप्लीट नहीं करने वाले हैं हम सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे या उन क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार पूछे गए हैं या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन उनपे हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ उन्ही टॉपिक्स पे तो डे वन जब आपको सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन मिलेगा तो एक आपको लिस्ट दे दी जाएगी कि ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं और इन इंपॉर्टेंट यूनिट्स से ही क्वेश्चन आते हैं या um, किसी यूनिट से ऐसे क्वेश्चन आते हैं किसी से ओनली शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो दिस इज दिस डिटेल विल बी प्रोवाइडेड टू यू ऑन डे वन ये आपको फर्स्ट डे पे प्रोवाइड किया जाएगा ये जो डिटेल है दिस विल हेल्प यू टू कीप अ चेक कि अच्छा मेरे पास टोटल टेन टॉपिक्स हैं और टेन टॉपिक्स मुझे इन दो या तीन दिनों में अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल फिनिश करने उसके बाद दूसरी चीज यू विल बी शोन प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको यूनिवर्सिटी प्रीवियस ईयर पेपर्स दिखाए जाएंगे जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं कुछ क्वेश्चन वहां पे आपको दिखाए जाएंगे फ्लैश किए जाएंगे सो दैट यू कम टू नो कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड है स्पेशली जितनी बार रिपीटेड है उतने ही उसके चांसेज हैं उतना ही वो इंपॉर्टेंट है और उतने ही चांसेस है उसके कि वो आगे भी आपसे पूछा जाएगा तो दैट मेक्स इट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उस क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करोगे उसको आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे देन कम्स योर प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको यू विल बी हैविंग एक्सेस टू प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको एप्लीकेशन में प्लान यूजी में के अंडर आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल रहे हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज के अनसॉल्व पेपर्स मिल रहे हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो अब डे वन पे आपको ये बताया जाएगा कि आप कैसे प्रैक्टिस करोगे और कब कब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्रैक्टिस करोगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देन नेक्स्ट थिंग अंडर सब्जेक्ट ओरिएंटेशन विल बी जो ओवरऑल शेड्यूल होने वाला है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ओवरऑल शेड्यूल से मेरा मतलब है कि माइनर सब्जेक्ट्स का जो सेशन हैं वो चलेंगे आपके एटलीस्ट फोर डेज तक और जो मेजर सब्जेक्ट के सेशन हैं वो आपके चलेंगे फाइव टू सेवन डेज तक इन दिस थर्टी डेज क्विक रिविजन स्ट्रैटेजी सो इन दिस पॉइंट आपको ये बताया जाएगा सपोज इफ आई टॉक अबाउट साइकोलॉजी तो साइकोलॉजी में आप फोर डेज में नेक्स्ट फोर डेज में वॉट ऑल विल बी डन आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है अगर आप ये सेशन मिस करते हो फिर आप आगे के सेशन में कनेक्ट नहीं कर पाओगे इतने अच्छे से चीजें समझ नहीं पाओगे तो आपको ओरिएंटेशन वाला सेशन अटेंड करना बहुत जरूरी है सो दैट यू कम टू नो एंड एक um, एक ऐसी आपको फीलिंग आनी जरूरी है दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप एंड यू आल्सो नो दैट व्हाट इज गोइंग ऑन सो इन दिस यू विल बी टोल्ड अबाउट कि कितने दिनों में ये सब्जेक्ट खत्म होगा और एवरी डे हम लोग क्या क्या करेंगे

और उस प्री असेसमेंट टेस्ट में आपके पास 50 एमसीक्यूज़ होंगे तो 50 एमसीक्यूज़ आपको अटेम्प्ट करने होंगे एप्लीकेशन में आकर अगर आप उसको अटेम्प्ट करते हो 50 एमसीक्यूज़ को तो ये आपने इसका मतलब है यू हैव गिवन दिस प्री असेसमेंट टेस्ट और सिर्फ आपको टेस्ट देके छोड़ना नहीं है इसका जो रिजल्ट है इसका जो एनालिसिस है वो आपको बताया जाएगा कि कितने बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया है और क्या क्या रिजल्ट रहा है और कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी और स्पेसिफिकली uh, नहीं कि कितने परसेंट ऑफ बच्चे ऐसे जिनको और ज्यादा अभी मेहनत करने की जरूरत है सो वॉट विल हैपन एवरी सब्जेक्ट विल स्टार्ट विद प्री असैसमेंट टेस्ट एंड नोवन विल कम टू नो नो वन विल कम टू नो कि कौन से बच्चे ने कितना मार्क्स स्कोर किया है ये सिर्फ आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप कौन से लेवल पे स्टैंड करते हो उसके बाद हम आते हैं पोस्ट असेसमेंट टेस्ट पे सब्जेक्ट खत्म होने के बाद सब्जेक्ट जब आपका एंड हो जाएगा अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट देन यू विल बी है पोस्ट असेसमेंट टेस्ट दिस अगेन विल बी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे प्री असेसमेंट में भी और पोस्ट असेसमेंट में भी नाउ लेट मी टेल यू अबाउट अब ये जो एमसी एमसीक्यूज हैं डरने की जरूरत नहीं है इनसे ये किस तरीके के होने वाले हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ साइकोलॉजी क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है तो उसी के बारे में आपको बताऊंगी उसी के आपको एग्जाम्पल्स uh, दूंगी इफ आई टॉक अबाउट साइकोलॉजी तो प्री असेसमेंट टेस्ट में आप जितने इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स हैं साइकोलॉजी के उनसे आपको 50 एमसीक्यूज मिलेंगे और इन एमसीक्यूज का जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो बहुत ज्यादा नहीं होगा मीडियम होगा बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोनों टेस्ट में प्री असेसमेंट में भी और पोस्ट असेसमेंट में भी दिस इज जस्ट टू असेस योर नॉलेज और सिर्फ आपको एक ये आइडिया देने के लिए कि आप अपने आप को कैसे जज uh, करते हो कैसे आप अपने आप को देखते हो कि आपको कितनी नॉलेज है किसी सब्जेक्ट में प्री असेसमेंट और पोस्ट टेस्ट आप सबने देना होगा प्री टेस्ट जब आप दोगे और तो पोस्ट तो आपके नॉलेज तो में कितना इंक्रीज हुआ सो दिस इज अबाउट योर प्री असेसमेंट एंड पोस्ट असेसमेंट अब ये कैसे देना है कब तक देना है और किस तरीके से इसका एनालिसिस प्रेजेंट किया जाएगा ये आपको एवरी सब्जेक्ट जब स्टार्ट होगा उसके डे वन पे आपको ये बताया जाएगा नाउ डे टू अब हम चलते हैं ये तो हमने बात कर ली डे वन के बारे में आई होप इट इज क्लियर टू ऑल नाउ ओके नेक्स्ट अब हम आते हैं सेकेंड डे पे अब जो डे वन का सेशन था वो आपका एक डेढ़ घंटा या दो घंटा चला और उसके बाद आपका सेशन बंद हो गया डे वन का नाउ अब डे टू पे आते हैं डे टू में आप क्या आपको मिलने वाला है डे टू में सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू दैट साइकोलॉजी में इफ आई टेल यू दैट टेन टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको डे वन पे टेन टॉपिक्स की लिस्ट देती हूं तो मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगी कि ये टेन टॉपिक्स में से मैं डे वन क्या डिस्कस करूंगी क्या क्या क्वेश्चन करूंगी और डे टू कौन से टॉपिक्स को फोकस करूंगी ये मैं आपको बताऊंगी तो डे टू पे जब हम आते हैं जो कि हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन का डे है तो यहाँ ये जो शुरू होता है ये शुरू होगा लिस्ट ऑफ हाई यील्ड टॉपिक्स फॉर द डे यहाँ पे आपको ये वाले जो फाइव टॉपिक्स मैंने बताए हैं डे वन के फाइव टॉपिक्स ये मैं आपको यहाँ पे अगेन आई विल टेल यू कि टॉपिक्स कौन से हैं जो मैं आज के दिन पे डिस्कस करने वाली हूँ जस्ट आई प्रोवाइड यू अ लिस्ट सो दैट यू ऑल्सो कम टू नो कि अच्छा आज मुझे सिर्फ ये फाइव टॉपिक्स पे फोकस करना है उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना डिस्कशन ऑफ हाई यील्ड सब्जेक्टिव ये देखो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर की बात है हम यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें बहुत जरूरी है ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि हमारे लॉन्ग आंसर्स हैं ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं शॉर्ट आंसर्स हैं वेरी शॉर्ट है उनको हमें कैसे अटेम्प्ट करना है या कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं बार बार पूछे गए हैं और हाई यील्ड है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है दोबारा भी पूछे जाएंगे उन सब क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सो आई होप निस इज गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू ऑल क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है ये पूरी तरीके से कंप्लीटली सिर्फ रिविजन पे फोकस कर रही है एंड आई थिंक यहाँ पे जब आप ये हाई हील्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से देख लोगे अटैम्प्ट करोगे तो मुझे लगता है कि आप इससे बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा उसके बाद जब हमने वी हैव डिस्कस्ड वी हैव डिस्कस दीज हाई ही क्वेश्चन देन अ वेरी स्मॉल वेरी स्मॉल क्वेश्चन आंसर राउंड विल बी देर बाई द पर्सन टू सिक्स क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल रैपिड तरीके से जल्दी जल्दी तरीके से पूछे जाएंगे वेरी बेसिक क्वेश्चंस होंगे फिलअप होंगे जिनका आंसर सिर्फ आप, आप एक वर्ड में दे सकते हो इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको साथ ही उसी समय पर उसी टाइम पे आपको अपने चैटबॉक्स में लिख के उसको आंसर करना होगा

आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा आपको सिर्फ उसको फिल करके सेंड कर देना है सबमिट कर देना है उसमें आपको क्या लिखना है उसमें आपको अपनी क्वेरीज लिखनी है आपने ऐसे डाउट्स लिखने हैं जो आपको इस वाले डे में जो डिस्कशंस हुए थे वो आपको समझ नहीं आए हैं या उसमें से कोई कुछ डाउट्स है वो डाउट्स आप इस गूगल फॉर्म को लिख के के अंदर एंटर करके सबमिट कर सकते हो जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो लास्ट वाइंड अप सेशन वाले दिन किए जाएंगे सो दिस इज योर डे डे उसके बाद नेक्स्ट पे क्योंकि अभी हमारे टेन टॉपिक्स में से सिर्फ फाइव टॉपिक्स ही हुए हैं बचते हैं फाइव टॉपिक्स वो हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे शेड्यूल ऑफ डे थ्री जहां पे अगेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन होगा बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा यहाँ पे क्योंकि ये हम जो सेशन शुरू करेंगे ये शुरू करेंगे प्री असेसमेंट टेस्ट के एनालिसिस के साथ प्री असेसमेंट टेस्ट कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे ज्यादातर बच्चों को डाउट है वो हमें एक आइडिया दे देगा कि कौन से टॉपिक्स पे हमें और अच्छे से फोकस करना है देन अगेन आई विल बी फ्लैशिंग यू द फाइव रिमेनिंग टॉपिक्स फॉर यू ऑल जो उस डे के लिए मैंने प्लान किया होगा आपके लिए ओके एंड देन वी विल हैव डिस्कशन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ दीज फाइव टॉपिक्स इस तरीके से आपके टोटल टेन टॉपिक्स कवर हो गए और टोटल टेन टॉपिक्स कौन से हैं ये ये है वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड देन अगेन यू विल बी हैविंग अ क्वेश्चन आंसर राउंड छोटा सा लिटल सा क्वेश्चन आंसर राउंड बेसिक फाइव टू सिक्स क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उन्ही टॉपिक्स में से जो उस दिन आपको पढ़ाया गया है आपके साथ डिस्कस हुआ है उसके बाद आपको गूगल फॉर्म के थ्रू अगेन अगर आपको कोई डाउट्स हैं, देन यू कैन सबमिट योर क्वेरीज एंड बिकॉज दिस विल बी दी लास्ट डे यहाँ पे हमारे टेन टॉपिक्स डिस्कस हो चुके हैं हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन कम्प्लीट हो चुके हैं तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा पोस्ट असेसमेंट टेस्ट के बारे में जो की मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था इस पोस्ट असेसमेंट टेस्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने दस के दस टॉपिक्स जो यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे यहाँ पे फिफ्टी एमसी क्यूज होंगे ये आपको अटेम्प्ट करके सबमिट करना होगा दिस इज योर डे थर्ड इसके साथ आप अपना साइकोलॉजी के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म कर दोगे फिर उसके बाद हम मिलेंगे फोर्थ डे फोर्थ डे मिलेंगे वाइंड अप करने के लिए अपने सेशन को क्योंकि अभी आपका आ, ये जो डे है ये स्टार्ट होगा आपके पोस्ट असेसमेंट के रिजल्ट के साथ और जितनी आपने क्वेरी सबमिट करी थी वो क्वेरी डिस्कशन के साथ सो दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट डे ऑफ माइनर सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट्स में क्योंकि आपका यहाँ पे जितनी भी क्वेरीज होंगी वो आपको यहाँ पे आंसर की जाएंगी सो so ये आपका एक शेड्यूल होने वाला है डेज जिस तरीके से सेशन फ्लो करेंगे उसका एक शेड्यूल होने वाला है सो आई होप आपको ये समझ आ गया है एंड यू नो दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू डू दिस थर्टी डेज क्विक रिविजन स्ट्रैटेजी एंड हाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन नाउ अभी तक तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया किस तरीके से आपके सेशन्स चलेंगे नाव आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे कि सी आई होप यू आर ऑल एबल टू सी दिस सो इफ आई सेिस इज द शेड्यूल ठीक है अब आप देखो यहाँ पे फर्स्ट जून से दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट जून फर्स्ट जून से ये शुरू हो रहा है फोर डेज दिए गए हैं साइकोलॉजी को तो पहला सब्जेक्ट होगा आपके लिए अप्लाइड साइकोलॉजी योर फर्स्ट सब्जेक्ट सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपनी तैयारी साइकोलॉजी के साथ फर्स्ट जून से शुरू करेंगे एवरी डे जो सेशन होगा वो डेढ़ से दो घंटे मैक्सिमम होगा वन एंड हाफ आवर टू टू आवर्स मैक्स फोर डेज के लिए आपका साइकोलॉजी चलेगा अच्छा डे वन आई टोल्ड यू दैट डे वन इज ऑलवेज गोइंग टू बी सब्जेक्ट ओरिएंटेशन फॉर द सब्जेक्ट सब्जेक्ट ओरिएंटेशन आपको दिया जाएगा एंड देन आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द प्री असेसमेंट टेस्ट विल इज विच इंक्लूड्स 50 एमसीक्यूज़ बेसिक लेवल 50 एमसीक्यूज आपके लिए होंगे उसके बाद डे टू हमारा क्यूएडी डे होगा क्यूएडी मतलब क्वेश्चन आंसर डिस्कशन डे So, यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कशन आपके साथ किया जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का होगा सबसे पहले आपको लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दी जाएगी उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हम लोग करेंगे उसके बाद आपसे फाइव बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका आंसर सिर्फ वन वर्ड में आप दे सकते हो वेरी क्विकली आप दे सकते हो एंड देन यू विल सबमिट योर क्वेरी थ्रू गूगल फॉर्म अगेन नेक्स्ट डे you will be given you will be given a, a list of important topics for the day, subjective question discussion of those topics, question answer round and your query submission and you will be you will have to attempt your post assessment जो कि session खत्म होने के बाद आपको एक अच्छा सा time दिया जाएगा उस time में आप इसको खत्म कर सकते हो अपने post assessment को and then day four will be of wind up session wind up session मतलब इन चार दिनों में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपकी साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कशन हम खत्म कर लेंगे फिर आती है बारी यहां पे साइकोलॉजी के बाद हम देखते हैं अब साइकोलॉजी के बाद कौन सा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी के बाद है सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी विल स्टार्ट फ्रॉम उसके एकदम बाद नेक्स्ट डे से साइकोलॉजी के नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगा सोशियोलॉजी इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम सिक्स जून सोशियोलॉजी स्टार्टिंग फ्रॉम सिक्स जून Four days are given to this subject. The flow is going to be the same for this uh, subject also. Day one will be of subject orientation and you will be told about pre assessment test and you will have to attempt this pre assessment test. And then, second day will be your list of important topics of the day. For example, sociology, may have again 12 topics which are important. Hai. For example, so here on this day, six topics will be covered.

ज कंप्लीटेड इन दीज फोर डेज ओके सो छ जून से लेकर नौ जून तक आपका सोशियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है सोशियोलॉजी के बाद सोशियोलॉजी के बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना बायोकेमिस्ट्री न्यूट्रीशन ठीक है बायोकेमिस्ट्री न्यूट्रिशन आपका थर्ड सब्जेक्ट है कब से स्टार्ट हो रहा है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम टेंथ जून दिस इज ऑल्सो फॉर फोर डेज अगेन डे वन विल बी सब्जेक्ट ओरियंटेशन एंड pre assessment test day 2 again you will be given list of important topics for the day unhi topics se aapka subjective question answer discussion hoga ek question answer round hoga chhota sa ye janne ke liye ki aap log kitna dhyan se padh rahe ho and then aapka query submission hoga again next day aap का जो प्री असेसमेंट का रिजल्ट है वो हमारा जो सेकंड third थर्ड डे है जो हमारा क्यूएडी का जो हमारा थर्ड डे रहेगा उसमें हम लोग प्री असेसमेंट के रिजल्ट के साथ शुरू करेंगे और फिर हम अपनी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन पे चलेंगे क्वेश्चन आंसर राउंड पे चलेंगे क्वेरी आप लोग सबमिट करोगे और सेशन खत्म होने के बाद विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम यू विल अटेम्प्ट योर पोस्ट असेसमेंट टेस्ट जिससे कि आपको पता चलेगा दैट हाउ मच नॉलेज यू हैव गेन्ड इन बायोकेमिस्ट्री न्यूट्रिशन एंड लास्ट डे विल बी ऑफ वाइंड अप सेशन एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि uh, क्योंकि ये क्विक रिविजन स्ट्रैटेजी है यहाँ पे तो uh, अच्छा होगा अगर इफ यू हैव थियोरी आपने एक बार गो थ्रू किया होगा एंड ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी यूजिंग प्लान यू जी ऑफ नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ सो आई होप आप अपना विडियोज इन टॉपिक्स uh, का इन सब्जेक्ट्स का uh, वीडियोज आप थियरी लेक्चर्स आप देख चुके होंगे एंड देन यू विल कम टू दीज क्विक रिविजन स्ट्रैटेजी ओके okay. अगर नहीं भी कंप्लीट किया है सब्जेक्ट कोई बात नहीं स्टिल यू कैन वॉच दीज स्टिल यू कैन अटेंड दीज सेशन क्विक रिविजन स्ट्रेटजी स्टिल यू कैन गेट बेनिफिटेड नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा स्टार्ट होगा अप्लाइड अनैटमी जो हमारा फोर्थ सब्जेक्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम फिफ्टींथ जून अगेन फोर डेज आर गिवन टू दिस सब्जेक्ट एंड द फ्लो इज गोइंग टू बी सेम एंड लास्ट में हमारा वाइंड अप सेशन होगा क्वेरी डिस्कशन के साथ अप्लाइड अनाटमी के बाद हमारे पास जो सब्जेक्ट है दैट इज अप्लाइड फिजियोलॉजी अप्लाइड फिजियोलॉजी इज स्टार्टिंग इट इज स्टार्टिंग विद ये हमारा फिफ्थ सब्जेक्ट है ट्वेंटी एथ जून से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट ओरिएंटेशन के साथ शुरू होगा प्री असेसमेंट के साथ शुरू होगा खत्म होगा पोस्ट असेसमेंट के साथ और क्वेरी डिस्कशन के साथ ट्वेंटी थर्ड जून पे बाइंड अप हो जाएगा ट्वेंटी थर्ड जून के साथ आप अपना फिजियोलॉजी भी रिवाइज कर लोगे फिजियोलॉजी के बाद हमारे पास जो सब्जेक्ट आता है वो है फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स में मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप ध्यान से इस चीज को समझो देखो लास्ट हमारे पास ये सब्जेक्ट है पर मेजर सब्जेक्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है दो पार्ट्स में है और ट्वेंटी फोर्थ जून से आपका ये सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा एंड इट विल लास्ट टिल थर्टी जून एंड सिक्स डेज इस सब्जेक्ट के लिए है क्योंकि इस सब्जेक्ट में थियोरी एज वेल एज प्रैक्टिकल आपको प्रिपेयर करना है क्योंकि सब्जेक्ट आपको प्रैक्टिकल भी देना है तो उसके लिए जरूरी है आपको पता होने चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स आपको कौन से आ, आपको एक आ, बताया जाएगा इसके बारे में कि इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स कौन से हैं जो आप एग्जामिनर्स आपसे पूछ सकते हैं आपको बेडसाइड वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे तो एफ भी आपका शुरू होगा सब्जेक्ट ओरिएंटेशन के साथ और प्री असेसमेंट टेस्ट के साथ देन थ्री डेज विल बी देयर थ्री डेज विल बी देयर फॉर योर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सपोज आपके पास यहाँ पे फिफ्टीन या ट्वेंटी टॉपिक्स हैं सिर्फ फिफ्टीन टॉपिक्स हैं आपके पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सो एवरी डे यू विल बी हैविंग फाइव टॉपिक्स सेकेंड डे फाइव टॉपिक्स थर्ड डे फाइव टॉपिक्स सो दिस इज हाउ इट विल बी डिवाइडेड क्योंकि हमें सेशन की जो ड्यूरेशन है उसको भी ध्यान में लेके चलना है और जितने टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करना है एंड देन नेक्स्ट डे आपको तैयार किया जाएगा टोटली totally, कंप्लीटली ये आपका प्रैक्टिकल प्रिपरेशन के लिए रहेगा एंड देन इन दी एंड वाइंड अप से डिस्कशन आपका फंडामेंटल भी रिवाइज हो जाएगा थर्टी एथ जून तक तो ये रही आपकी थर्टी डेज क्विक रिविजन स्ट्रैटेजी जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट को टेकअप किया गया है सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से फ्लो चलेगा आपका सेशन का वो आपको बताया गया है नाउ इसके बाद आई एम गोइंग टू शो यू अ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर पेपर जो कि अनसोल्व है प्लान यूजी नर्सिंग नेक्स्ट लाइव में प्लान यूजी के अंदर यू आर गोइंग टू गेट सो मेनी प्रीवियस ईयर पेपर पेपर ऑफ गुड यूनिवर्सिटीज जिसमें कि यू कैन सी यू कैन हैव अ लुक सो दिस इज द क्वेश्चन पेपर पैटर्न इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आ रहा है एंड नाउ एम सी क्यूज ऑल्सो हैडेड टू दिस तो इसमें अभी एमसीक्यूज आप नहीं देख रहे हो पर वी हैव अ वेरी गुड पूल अच्छा बहुत अच्छा पूल है आपके पास यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए और प्रीवियस ईयर पेपर्स को अपना ओपन करो एंड यू स्टार्ट सॉल्विंग दैट प्रीवियस ईयर पेपर अच्छा प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप किस तरीके से इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हो कैसे यूज करना है प्रीवियस ईयर पेपर्स को सी सपोज आप प्रीवियस ईयर पेपर्स पे पहुंचे हो आपने प्रीवियस ईयर पेपर यू ओपन इट You take a you take your notebook and you start answering it. You start writing the answers. usse kya hoga pehli cheez dekho First thing is your writing speed. Your time management will be there. देखो बच्चे होता क्या है? जब आप MCQs attempt करते हो वो बिल्कुल एक अलग तरीका है. जब आप subjective questions आपको attempt करने that is entirely different. तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके राइटिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए आपका जो राइटिंग मेथड है वो क्लियर होना चाहिए नीट एंड टाइडी अपियरेंस होना चाहिए प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए और टाइम सॉरी वर्ड लिमिट जितना है वो होना चाहिए और आपका एक स्पीड होनी चाहिए ये सब कब आएगा ये सब आपको तभी आएगा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स निकालोगे और एक गिवन टाइम के अंदर अपने आप को एक सेट टाइम दोगे और उसके अंदर उसको प्रैक्टिस करोगे

तो कितना आप कितने अच्छे से अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से स्ट्रोंग कर सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो तो एवरी संडे ड्यूरिंग दिस थर्टी डेज रिविजन स्ट्रैटेजी एवरी संडे यू हैव टू अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर पेपर यू हैव टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर अब शेड्यूल के अकॉर्डिंगली इफ आई से फोर्थ जून इज योर फर्स्ट संडे उसमें आप साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का प्रीवियस ईयर पेपर्स अटेम्प्ट करोगे यू विल प्रैक्टिस दिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट संडे जो कि इलेवेंथ जून है उसमें आपको बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रीशन के प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्रैक्टिस करना है ये सिर्फ संडेज का मैं आपको बता रही हूं इसके अलावा भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स अटेम्प्ट करने के लिए टाइम निकालना है देन ओनली यू विल बी हैविंग कंप्लीट प्रिपरेशन एटींथ जून इज अनदर संडे जिसमें कि आपको अनाटमी और फिजियोलॉजी अटेम्प्ट करना है ट्वेंटी फिफ्थ जून हमारा लास्ट संडे है इस थर्टी डेज क्विक रिविजन स्ट्रैटेजी में देन यू विल फोकस ऑन फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग सो ये फोर संडेज हैं हमारे थर्टी डेज में इन फोर संडेज में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स बता दिए गए हैं यू विल ओपन दीज प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड यू विल स्टार्ट राइटिंग बिल्कुल ना व्हाट विल हैपन आप जब प्रीवियस ईयर पेपर्स को अटेम्प्ट करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आप उससे फेमिलियर हो जाओगे आपका अटेम्प्ट का करने का जो तरीका है वो इंप्रूव होने लगेगा आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होने लगेगा और आपकी राइटिंग स्पीड इंप्रूव होने लगेगी सो प्रीवियस ईयर पेपर्स एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए ओके सो सो नाउ आई आई वॉन्ट की ऑल ऑफ यू Come to these sessions. All of you get benefited with these sessions. And these sessions are starting from 1st June. And good luck for your sessions. Good luck for your 30 days revision strategy. Thanks for watching.